सरकार ने 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी कि FDC दवाओं पर रोक लगा दी है। ये दवाएं अब आपको बाजार में केमिस्ट की दुकान पर नहीं मिलेंगी। बैन हुई दवाओं में कई दवाएं ऐसी हैं जो आपके शरीर को फटाफट आराम तो दे देती हैं, लेकिन इनसे आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचता है। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह पर इन दवाओं पर रोक लगाने का ये कदम उठाया है। इन दवाओं में दो या दो से अधिक दवाओं का मिश्रण करके बनाया जाता है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में बुखार, सर दर्द, माइग्रेन में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोडिन सिरप और पैरासिटामोल भी इस लिस्ट में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के द्वारा गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने पिछले साल अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि इन दवाओं का कोई मेडिकल औचित्य नहीं है। जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है उन दवाओं के बारे में आपको बताए चलते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस लिस्ट में पहला नाम आता है निमेसुलाइड प्लस पैरासिटामोल का और दूसरा नाम आता है क्लोरफेनिरामाइन प्लस कोडीन सिरप। तीसरे नंबर पर फेल्कोडाइन प्लस प्रोमेथाइजीन। चौथे नंबर पर एमोक्सिसिलाइन ब्रोमोहेक्सिन। पांचवें नंबर पर ब्रोमोहेक्सिन प्लस डेक्स्ट्रोमेथोफन, ब्रोमहेक्सिन प्लस डेक्स्ट्रोमेथोफन, एमोनियम क्लोराइड मेथोन, पैरासिटामोल प्लस ब्रोमोहेक्सिन, फिनिलेफ्राइन, क्लोरफेनिरामाइन प्लस गुइफेनेसिन, सालबुटामोल प्लस क्लोरफेनिरामाइन। FDC दवाएं उन्हें कहा जाता है जो दो या दो से अधिक दवाओं के मिश्रण से तैयार की जाती हैं। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। अभी इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो इसी कॉम्बिनेशन का एक हिस्सा है। तो अगर आप भी इन दवाओं का इस्तेमाल करते थे तो अब आपको ये दवाएं आपके केमिस्ट के पास नहीं मिलेंगी। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।